तो हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम मेहंदी लगाने के कुछ ऐसे बेसिक स्टेप्स सीखेंगे जिससे कि आप आसानी से मेहंदी लगा पाओगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा लॉकडाउन चल रहा है और सारे शॉप्स बंद है, तो हमको मेहंदी का कोन मिलना मुश्किल है। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले मेहंदी का कोन कैसे बनाते हैं वो बताऊँगी। तो ये मेरे पास है एक नमक का पैकेट था, जिसको कि मैंने ट्रायंगुलर शेप में कट कर लिया है। अब मैं इसके सेंटर में यहाँ पर मेरा थंब रखूँगी और उसके बाद हम इसको थंब को इसी पॉइंट में रखते हुए हम केवल इस पोर्शन को रोटेट करते चलेंगे इस तरह से। थंब को हमको नहीं हिलाना है और इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट जो है ये हमारा पूरा पैक रहे। उसके बाद जैसे हमारा ये कोन बन जाएगा, इस पोर्शन में हम इसको सेलो टेप की मदद से सील कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से मैंने सील कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसमें हमको मेहंदी भरनी है। तो मेरे पास ये कुछ मेहंदी पाउडर था जिसमें कि मैंने थोड़ा सा पानी डालकर इसको भिगो के रख दिया है और उसकी पेस्ट बना ली कुछ इस तरह से। ये इसकी जो पेस्ट है, ना ज़्यादा पतली और ना ज़्यादा गाढ़ी, इस तरह की आपकी पेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद हम इस पेस्ट को इस कोन में फिल करेंगे। फिल करने के बाद ये मैंने इसको ऊपर से भी इस कोन को अच्छे से सेरो टेप की मदद से पैक कर लिया है। अब हम इसका जो पॉइंट है, ये पैक है, तो इसको हम सीज़र से पहले थोड़ा सा कट करेंगे और इसके पॉइंट में हम एक पिन इंसर्ट करेंगे ताकि ये अच्छे से बाद में चले, बिना रुकावट के ये चले। तो इस कोन को चेक करने के बाद अब हम इस कोन को कैसे पकड़ते हैं पहले वो देखेंगे। तो बच्चों, जैसे कि हम पेंसिल पकड़ते हैं, ये हमारी पेंसिल है, कुछ बच्चे इधर पकड़ते हैं पेंसिल, कुछ बच्चे इधर पकड़ते हैं, कोई ऐसे पकड़ते हैं। तो जैसा आपका कंफर्टेबल लग रहा है, तो जिस तरह से आप पेंसिल पकड़ते हो ठीक उसी तरह से हम इस कोन को भी पकड़ेंगे। तो मैंने इस कोन को, मेरा थंब और इंडेक्स फिंगर और मेरे जो ये मिडल फिंगर इसका सपोर्ट देते हुए मैंने मेरे ये तीन फिंगर्स में मैंने इस कोन को पकड़ रखा है। ठीक है बच्चों, तो जैसे ही जब आप पहली बार स्कूल में जाते हैं तो आप जब पेंसिल पकड़ते हैं तो आप सबसे पहली बार, आप याद करो सबसे पहली बार आपने क्या सीखा था, आपने सीखा था लाइन ड्रॉ करना। तो उसी तरह इस कोन की मदद से भी हम लोग सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मैं एक, जैसे कि हमारी शुरुआत है, तो मैंने एक प्लेट ले लिया है। अब हम इस प्लेट में लाइन्स ड्रॉ करने शुरू करते हैं। तो लाइन्स ड्रॉ करने के लिए, जैसे मैंने ये कोन पकड़ लिया है, इस थंब से हल्का हल्का इसको प्रेस करते हुए हम लोग लाइन्स ड्रॉ करेंगे। और लाइन्स ड्रॉ करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आपका कोन का जो पॉइंट है वो हमारी प्लेट में टच नहीं होना है। इसको हल्का ऊपर रख के ही हमको पहले एक डॉट देनी है और उसके बाद हम इसको इस तरह से चला लेंगे। तो ये आपकी एक लाइन ड्रॉ होगी। हम इसको इस तरह से कंटिन्यूसली एक डायरेक्शन में स्लीपिंग लाइन हमारी हम लोग चलाएंगे। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारी जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो टूटनी नहीं चाहिए और कोन को हम हल्का सा उठाते हुए हम अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे। ये आपका, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो कोई भी चीज़ करने के लिए हमको प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो उसी प्रकार से हम उसको प्रैक्टिस करते हुए इस चीज़ को करते चलेंगे। जैसे हमारा कोन का पॉइंट रुक गया तो थोड़ा सा हमको उसको पिन इंसर्ट करके एक बार फ्री कर लेना है, इसका जो माउथ है इसको फ्री कर लेना है ताकि हमारा ये रुके ना। अब उसके बाद जैसे हमने स्लीपिंग लाइन्स ड्रॉ करना शुरू कर दी, हम बनाते हैं स्टैंडिंग लाइन। तो स्टैंडिंग लाइन भी ठीक उसी तरह, पहले एक बार पॉइंट को इधर बनाया, थोड़ा सा हल्का सा कोन उठाया, प्रेस करते चले गए और लाइन्स ड्रॉ करते चले गए।
इसी तरह से प्रेस करते चले गए, लाइंस ड्रॉ करते चले गए। तो ये हमारा स्लीपिंग लाइन भी ऐसे ही बनते जाएगा, जैसे कि हम स्कूल में भी सबसे पहले हमने यही सीखा था। तो मेहंदी लगाते वक्त भी हम हमारे जो बेसिक स्टेप्स में यही आता है कि लाइंस वी शुड ड्रॉ परफेक्टली। जब आप इसमें परफेक्ट हो जाओगे तो आगे के भी आपके जो स्टेप्स हैं वो आपको आसानी से आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया स्टैंडिंग लाइन। अब स्टैंडिंग लाइन के बाद हम बनाएंगे स्लैंटिंग लाइन इस तरह से। जैसे ही हमारी डे टू की शुरुआत है तो हमने लाइंस तो डे वन में प्रैक्टिस कर ली थी, तो अभी हम डे टू में हम लोग देखेंगे कि डायमंड बनाना। तो एक छोटा सा डायमंड शेप का एक डायमंड शेप बना लेंगे। वापस से इसके बाहर जैसे आपकी लाइंस की प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, आपको ये बहुत ही आसानी से आ जाएगा, क्योंकि ये सारे शेप्स हमारे लाइन से ही बने हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया डायमंड शेप। उसके बाद हम डॉट की प्रैक्टिस करेंगे। एक ही पॉइंट पर हमको थोड़ा सा कोन को कांस्टेंट रखते घुमा हल्का सा प्रेस करते हुए डॉट्स बनाने हैं। ये हमारे डॉट्स हो गए। देन इसके बाद हम बनाते हैं सर्कल। तो सर्कल के लिए कोन को बिना रुकाए हमको सर्कल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करनी है। उसके अंदर वापस दूसरा सर्कल, बाहर वापस सर्कल। सर्कल बनाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ये जो गैप है ये कम ज़्यादा आपके गैप नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो डे थ्री में हम देखते हैं ये हमारी लाइन। इसके बाद हम इसमें छोटे छोटे यू बनाएंगे और ये हमारे एक ही साइज के होने चाहिए और एक ही शेप के, ऐसा नहीं कि कुछ कुछ बड़ा कुछ छोटा आ जाएगा। उसके बाद हम आते हैं चेक्स की ओर। तो ये हमारी, मैंने कोन को थोड़ा सा मोटा कर लिया है ताकि इसमें आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। तो इस तरह से हमने कुछ चेक्स को हमको डे फोर में हम बनाएंगे कुछ नए शेप्स। तो ये बहुत ही कॉमन शेप्स है बच्चों हमारे मेहंदी में। पहले हम हल्का सा ही आउटलाइन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर हम उसको वापस डार्क करेंगे। तो ये हमारा डे फोर में इस तरह से आप आपकी ओन क्रिएटिविटी यूज़ करके यू कैन ड्रॉ एनीथिंग। ये थोड़ा सा हमको एक बार अब इसके बारे में देखते हैं लीफ को कैसे बनाएं। तो लीफ को बनाने के लिए जैसे हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं उसी तरह से हम इससे भी हम लीफ ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बन गया है लीफ। फिर हम कुछ इस तरह के सर्कल्स बनाते हैं चक्कर जैसे। एक फ्लावर बनाते हैं,
फ्लावर बनाते वक्त ये जो पेटल्स है इसकी साइज़ जो है हमारी इक्वल होनी चाहिए, नहीं तो बनाने जाएंगे हम खूबसूरत सा फूल और बन जाएगा गोभी का फूल। जैसे ही आप इसमें एक्सपर्ट हो जाओगे तो यू कैन ड्रॉ एंड नंबर ऑफ शेप्स, आपको जो मर्जी वो आप बना सकते हैं। आप आपका मिकी माउस बना सकते हैं, कार्टून शिनचैन जैसे कि वीडियो में आपने देखा, ये सब कुछ आप बना सकते हैं। बट फॉर इट यू नीड प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सो आपके जो ये अभी जो समर वेकेशंस है इसमें यू हैव लॉट ऑफ टाइम, सो डोंट गो आउटसाइड, कीप बिजी योर सेल्फ एंड कीप प्रैक्टिस इन दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Wait, wait.